The next category is for the green group project. And the project is Let's Save Sparrow. ये आवाज हमें नींद से जगाती थी, मानो ये चिड़िया हम सबके घर का हिस्सा थी, जो अब घर तो क्या हमारे आसपास भी नहीं आती। कैसे आएगी इस दुनिया से नन्ही चिड़िया की उड़ान गायब जो होने लगी है। एक समय में हमारे आंगन में फुदकने वाली चिड़िया अब इतिहास बनती जा रही है। चिड़िया का लुप्त होना पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए खतरे का संकेत है, और इस संकेत को भांपते हुए शहर के कुछ युवाओं ने बनाया लेट्स सेव स्पैरो ग्रुप और छेड़ दी छोटी सी चिड़िया को बचाने की बड़ी मुहिम। एमएस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अलीअसगर वोरा और उनके साथीदार सन 2013 से इस अभियान पर कार्य कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते जा रहे सीमेंट कंक्रीट के जंगलों के बीच चिड़िया अपना आशियाना गवा बैठी है। लेट्स सेव स्पैरो ग्रुप ने पहले एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करते हुए लोगों को लुप्त हो रही चिड़िया की प्रजाति पर जागरूक किया, फिर कंजर्वेटिव्स के रूप में कार्य करते हुए लोगों को नेस्ट, वाटर बाउल्स, फीडर्स का वितरण कर चिड़िया को बचाने सहयोग मांगा, और अब वे जूलॉजिस्ट की भूमिका अदा करते हुए चिड़ियाओं पर अभ्यास भी कर रहे हैं। इस अभियान में स्कूली बच्चों को भी जोड़ा गया है। हर वर्ष करीब 800 से ज्यादा कार्डबोर्ड से बने बॉक्स का वितरण कर चिड़िया का अस्तित्व बचाने का प्रयास किया जाता है। हमारी ग्रुप कैटेगरी के विनर लेट्स सेव स्पैरो ग्रुप की छोटी सी कोशिश चिड़ियाओं के संरक्षण में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस ग्रुप द्वारा चिड़ियाओं को प्राकृतिक निवास मुहैया कराने के प्रयास भी किए जाते हैं, जैसे चिड़िया के निवास के लिए अनुकूल और चिड़िया के पसंदीदा पेड़ों को कटने से बचाकर उनकी सही ट्रिमिंग कराई जाती है, जिससे वे अपने ही घरौंदों में खुलकर जी सके। ग्रुप के छात्र चिड़ियाओं के संरक्षण के लिए इतने कटिबद्ध हैं कि अपनी पॉकेट मनी से अभियान को जारी रखे हुए हैं। इस कार्य में उन्हें एमएस यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आरवी देवकर और डॉक्टर गीता पड़ते का भी सहयोग मिल रहा है। शहर के युवा भी पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति गंभीरता बरतते हुए ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत हैं। ऐसे में उनको सहयोग और उनकी सराहना दोनों ही हमारा दायित्व बन जाता है। चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए, ओरी चिड़िया। सेव स्पैरो का जो ये इनका ग्रुप है लेट्स सेव स्पैरो, और जो प्रयास किए जाते हैं काफी सराहनीय है, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमने चिड़ियाँ देखी हैं, घर में भी आ जाती थी अक्सर, लेकिन हमारे बच्चे उस मंजर को तरस गए हैं। सबसे पहले मैं VNM का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे काम को आपके बीच में प्रेजेंट किया और अवार्ड के लायक समझा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जितने भी वडोदरा के शिक्षित और बुद्धिशाली लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने बचपन के दौरान चिड़िया को देखा था, बट आज जैसे मैम ने बोला चिड़िया दिखती नहीं है, तो ये सब हमारे कारण हो रहा है। इसका दोष मैं हम खुद को देते हैं, और जब तक ये चिड़िया वापस नहीं आती तब तक ये हमारा प्रयास चालू रहेगा। अलीअसगर वोरा हैज़ बीन डूइंग इट एज अ पैशन सिंस ही वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ BSc एंड पॉसिबली इवन व्हेन ही वॉज अ स्कूल स्टूडेंट। तब से इसका ये पैशन था और ये नेस्ट बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करता था। एज हिज टीचर आई एम टीचिंग जूलॉजी एंड ही वॉज माई स्टूडेंट, आई जस्ट गेव हिम सम डायरेक्शंस एंड एडवाइजेस, एंड लेटर ऑन इन मास्टर्स डिग्री इन MSc इन जूलॉजी ही डिड अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट वेयर ही आइडेंटिफाइड विच इज द मोस्ट सूटेबल नेस्टिंग इनक्लोजर फॉर हाउस स्पैरो। मतलब स्पैरो क्या सोचती है वो अली ने ढूंढ के निकाला। एंड इनिशियली मैंने इससे पूछा भाई क्या ऑब्जर्वेशन है, ही इज टेलिंग सर स्पैरो ज़्यादा ध्यान प्लास्टिक की तरफ दे रही है। आई सेड ओह नो, शायद ह्यूमन बींग जैसा स्पैरो को भी प्लास्टिक ही पसंद है।
But later on, soon the trend changed, and the final results, when I totaled it up, I analyzed the data, it was the earthen, that is, jo matti ke enclosures the, that is the most preferred, right? Yes, sir. And even the cardboard and the other ones, and plastic was least preferred. So I think house sparrow thoda chaka chaun se pehle impressed ho gayi, but later on realized ki plastic kaam ka nahi hai. Thank you. Our next